2013 का मॉडल, 2013 का बजाज पल्सर 150, 2020 का मॉडल है, 2020 का ग्लैमर है, कितना किलोमीटर चला है लगभग? एक और टीवीएस अपाचे आरटीआर, ये है 150 का, ये अप्रोक्स आएगा आपको 35,000 किलोमीटर के आसपास, 35,000 के आसपास ये किलोमीटर चला। प्राइस क्या रखा है इसका? आपको 34,000 में ये आ जाएगा। और यार कितना 2022 का है? 2022 का 60,000 में Intercontinental और किलोमीटर भी चला है 35,000 के करीब। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आप लोगों ने डिमांड किया था कि भाई बेस्ट माइलेज वाला बाइक दिखाओ, तो आप लोगों के लिए आज हम लोग आए हैं इतनी दूर बोरोदीघी में, जो है माल बाजार के करीब, माल बाजार से लगभग 8 किलोमीटर होगा बोरोदीघी। यहाँ पे हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं माइलेज वाली बाइक, यहाँ पे ग्लैमर पल्सर 150, वहाँ पे एक और ग्लैमर, और स्कूटी में भी गजिया एंटॉर्क, ये सारे जो बेहतर माइलेज देती है, ये सारे बाइक्स हम लोग आज लेके आए हैं बाइक बाड़ीज में, जो है बोरोदीघी में। अगर आपको शोरूम का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो तो, और कोई भी इंक्वायरी करना हो तो, नीचे आए नंबर से आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर बोर्ड में भी आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, एड्रेस फोन नंबर सारे के सारे। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो फटाफट से चलते हैं पहली बाइक की तरफ, और बुलाते हैं इस शोरूम का जो ओनर है असीम दा को। हेलो बाबा, तो सबसे पहले शोरूम का एड्रेस एक बार बता दीजिए। ये बोरोदीघी मेन मार्केट है। अच्छा, ये आप मालबाजार से भी आ सकते हैं, लाटेगुड़ी से भी आ सकते हैं। मालबाजार से कितना डिस्टेंस पड़ेगा? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, और लाटेगुड़ी होके अगर मैनागुड़ी से कोई आता है लाटेगुड़ी होके तो कितना डिस्टेंस? लाटेगुड़ी से अंदर से आते तो अप्रोक्स 15 किलोमीटर के आसपास होगा। लाटेगुड़ी से लगभग 15 किलोमीटर, मतलब आप लोग मालबाजार, मैनागुड़ी, धुपगुड़ी, ये सारे एरिया कवर करते हैं आप लोग, यहाँ से कवर करते हैं। और पहली बात क्लियर कर देते हैं, पहले ही रिफाइनेंस हो जाएगा, 100% हो जाएगा, रिफाइनेंस हो जाएगा, और ओनरशिप चेंज करवा देंगे, तो हम लोग ही करवा देंगे, ये लोग ही करवा देंगे, बस आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के लिए डॉक्यूमेंट जो चाहिए होता है वो आपको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बस। आधार, वोटर, पैन कार्ड आप दे देने से ये लोग ही आपको ओनरशिप चेंज करवा के देंगे, आपको कोई भी किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है, है ना। तो फटाफट से चलते हैं पहली बाइक की तरफ। तो पहली बाइक है बजाज पल्सर, भैया इसके बारे में बता दीजिए। ये आपका 2010 का है, 2010 का मॉडल है। हाँ, कितना किलोमीटर? 50,000 किलोमीटर के आसपास चला हुआ है। 50,000 किलोमीटर के आसपास चला हुआ है। और प्राइस क्या रखा है इसका? ओनली 20,000 प्राइस है इसका, और ये ऑन टेबल नेगोशिएबल है। ऑन टेबल नेगोशिएबल है ये, बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं एक और बजाज पल्सर 150 की तरफ, ये तो इसे दिखाओ भाई। 2013 का मॉडल, 2013 का बजाज पल्सर 150, कितना किलोमीटर चला है लगभग? ये अप्रोक्स 35,000 किलोमीटर के आसपास, 35,000 किलोमीटर के आसपास ये किलोमीटर चला है। और क्या प्राइस रखा है इसका? 37,000 ओनली, 37,000 में आप ये पल्सर 150 2013 का आप घर ले जा सकते हो। और भाई टायर कंडीशन दिखाओ एक बार लोगों को। कंडीशन बहुत अच्छा है, और इस रेंज में मिलना भी बहुत मुश्किल है। इस रेंज में पल्सर 150 मिलना मुश्किल तो है भाई, क्योंकि मैं खुद पल्सर 150 ओन करता हूँ। उसके बाद आते हैं लोगों को जिस गाड़ी का बहुत ही इंतजार रहता है, मतलब बहुत ढूंढते हैं माइलेज में, बेहतर सब कुछ में, वो है ग्लैमर, हीरो की ग्लैमर। तो भैया इसके बारे में बता दीजिए। ये वाला 2020 का मॉडल है, 2020 का ग्लैमर है, कितना किलोमीटर चला है लगभग? 44,000 के आसपास किलोमीटर चला है इसका। और प्राइस क्या रखा है इसका? ये है सिर्फ 55,000। 55,000 में आप ग्लैमर अपने घर ले जा सकते हो, सिर्फ 44,000 के आसपास चला हुआ है। बड़ा बात है, ये मॉडल अभी का टाइम में मिलना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, ये मॉडल मिलना भी नहीं, लोग ढूंढते भी है इस मॉडल को। आगे बढ़ने से पहले एक और बार क्लियर कर दूं आप लोगों को, रिफाइनेंस यहाँ पे अवेलेबल है, हो जाएगा। कितने एरिया के अंदर, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में रिफाइनेंस हो जाएगा? जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दोनों। सिलीगुड़ी का आसपास वाला, एक्चुअली हम लोग के इधर में जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जितना है सारा हो जाएगा। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का जो आसपास के एरिया है, मतलब मालबाजार, चालसा, नागरागाटा, बिनागुड़ी, बनाघाट, या फिर इधर मैनागुड़ी, धुपगुड़ी, जो आसपास के एरिया है, यहाँ पे रिफाइनेंस आपका हो जाएगा। और ये प्राइस जो आपने रखा है नेगोशिएबल है। हाँ, थोड़ा बहुत ऑन टेबल नेगोशिएबल है। जो लोग हमारे चैनल से आएगा, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रहेगा, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रहेगा,
एक और चीज आप लोगों को बता दे कि भैया स्पेशल ओकेशन पे, मतलब कोई भी अगर शोरूम का स्पेशल ओकेशन होता है कि शोरूम का ओपनिंग डे हो गया, मतलब जन्मदिन हो गया, कभी 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 भैया हेलमेट भी फ्री दे देते हैं, हेलमेट देते हैं, मोबाइल देते हैं, इंजन ऑयल, हेलमेट, ये सब ओकेशन वाली भैया दे देते हैं बाइक के साथ। आगे बढ़ते हैं होंडा ग्रेजिया की तरफ, इसे दिखाओ इसका क्या है। ये 2019 का मॉडल है, 2019 का ग्रेजिया है। कंडीशन दिखाओ भाई ठीक से। कंडीशन बहुत अच्छा है। और कितना किलोमीटर चला है लगभग इसका? ये अप्रोक्स आएगा आपको 35,000 किलोमीटर के आसपास, 35,000 के आसपास ये किलोमीटर चला। प्राइस क्या रखा है इसका? सिर्फ और सिर्फ 38,000 में ये आप घर ले जा सकते हैं। एक और चीज, अगर ये ग्लैमर जो है, अगर ये कोई रिफाइनेंस करना चाहे आसपास के एरिया से, तो कितना डाउन देना पड़ेगा उनको? देखिए वो तो सिविल के ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मली 20,000 के आसपास होता है। 20,000 लेके आइए आसपास, मतलब 20,000 ही आप लेके आइए, पकड़ लीजिए 20,000 लेके आइए और ग्लैमर आप लेके जाइए, है ना। आगे बढ़ते हैं एक और पल्सर 150 की तरफ। ये 2019 का मॉडल है, 2019 का पल्सर 150। कंडीशन दिखाओ भाई, दोनों टायर दिखाओ ठीक से। और इसका किलोमीटर कितना चला है लगभग? ये भी 35 के आसपास ही होगा, 35,000 के आसपास किलोमीटर चला है इसका। और प्राइस क्या रखा है इसका? इसका एक्चुअल बात है ये, क्योंकि जलपाई डिस्ट्रिक्ट का नहीं है तो इसका प्राइस हम बहुत कम रखे हैं। ये अगर बाहर, मतलब जलपाई डिस्ट्रिक्ट का होता ना, ये होता 60,000 के आसपास होता। अच्छा, 60,000 के आसपास होता अगर जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का होता बाइक ये, लेकिन ये बाहर का है तो कितना प्राइस रखा है? 54,000 ओनली, क्योंकि नंबर प्लेट बाहर का है इसीलिए। और ओनरशिप आप लोग चेंज करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ओनरशिप भैया लोग चेंज करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं TVS Apache RTR 180 की तरफ, तो इसका क्या ख्याल है भैया? ये 2016 का मॉडल है, 2016 का RTR 180 कितना किलोमीटर चला है लगभग? ये आपको चला हुआ 1,11,000 क्रॉस हो गया ये। और टायर, पीछे का टायर दिखाओ भाई, सामने का टायर दिखाओ, ब्रांड न्यू कंडीशन में। और खर्चा कुछ भी नहीं है इसमें, बस पेट्रोल डालो और चलाओ। प्राइस क्या रखा है इसका? 45,000 में आप RTR 180 को ले जा सकते हैं, इसको भी लेके जाओ 45,000 ओनली, 16 का मॉडल सिर्फ। आगे बढ़ते हैं एक और ग्लैमर की तरफ, तो भैया उसका क्या है? ग्लैमर 2011 का मॉडल है, 2011 का हीरो ग्लैमर है, हीरो होंडा ग्लैमर है एक्चुअली। तो इसका कितना किलोमीटर चला है? 45 के आसपास होगा। अच्छा, 45,000 के आसपास ये किलोमीटर होगा। आप लोग सामने आइए फिर देखिए, उसके बाद लेके जाइए, ट्रायल लीजिए। ऐसा नहीं है भाई पैसे लाओ, मेरे वीडियो देख के आओ, पैसे लाओ और लेके जाओ, ऐसा नहीं है। जरूर आओ, चला के देखिए, सेटिस्फाई हो उसके बाद ही लेके जाओ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, यहाँ पे कलेक्शन बढ़िया है, आप खुद आके देखो चलाओ, उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड हो। यहाँ पे जितना कलेक्शन है इतना ही रहता है मेरे पास कलेक्शन। एक्चुअली देखिए, मेरे पास ये जो कलेक्शन देख रहे हैं ना, मैक्सिमम 1 से 2 हफ्ता, इसके बाद में रहेगा कि नहीं रहेगा कोई ठिकाना नहीं है। मेरे पास डेली आते रहता है, डेली जाते रहता है, ये जाएगा, क्योंकि लोगों को अभी माइलेज चाहिए, पेट्रोल के दाम जैसे बढ़ा है, माइलेज चाहिए लोगों को, ठीक है। इसका क्या प्राइस रखा था आपने बोला? ये आपको 34,000 में ये आ जाएगा। और इस लाइन की आखिरी बाइक है हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर, उसका क्या डिटेल्स? 2008 का मॉडल है, 2008 का सुपर स्प्लेंडर है और 50,000 चला हुआ है, 50,000 किलोमीटर चला हुआ है। प्राइस क्या रखा है? ये प्राइस तो बहुत ही अच्छा है, सिर्फ 28,000 में, 28,000 में 2008 का हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर आप लेके जाओ घर पे। पीछे आ जाओ भाई, पीछे दिखा दे अभी, यहाँ पे आपका हो गया एक और TVS Apache RTR, ये है 160, वो बड़ा 180, ये है 160। इसका क्या डिटेल्स है भैया? 2015 का है, ये भी 55,000 किलोमीटर चला हुआ है, 2015 का 55,000 किलोमीटर चला हुआ। कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने ये कंडीशन हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा कोई गलत फहमी ना हो कि भाई कंडीशन आपने नहीं दिखाया ठीक से, कंडीशन हम लोग दिखाते हैं, क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी होता है। और ऐसा भी नहीं कि देख लिए होगी, आप सामने आइए, चला के देखिए, खुद देखिए, किसी को अगर लेके आना है उसको दिखा दीजिए। और इसका प्राइस क्या रखा है? ये ज्यादा नहीं, ये सिर्फ 48,000 का है, 48,000 का आपको TVS Apache RTR 160 हो गया। उसके बाद जो स्कूटी में जो लोगों को काफी डिमांड रहता है, हाई डिमांड रहता है, वो है TVS की Ntorq 125, तो वो है अपने पास। इसका क्या डिटेल्स है भैया? ये वाला है 2022 का मॉडल, अंदर आ जाइए, 2022 का मॉडल ये वाला। अगर आप बाहर लेने जाएंगे मिनिमम से मिनिमम आपको 65,000 के नीचे आपको नहीं मिलेगा, 100%। आपने कितना प्राइस रखा है? ये आपको सिर्फ मिल जाएगा 60,000 में, 60,000 में आपको TVS Ntorq मॉडल कितना
यार कितना 2022 का है, 2022 का 60,000 में इंटर कॉन 25 और किलोमीटर भी चला है 35,000 के करीब इंटर कॉन 25 आपका किलोमीटर दिखा दो भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाते, यहाँ पे लिखा भी है। उसके बाद आते हैं इस लिस्ट की आखिरी बाइक की तरफ, तो वो है कम प्राइस में, सबसे कम प्राइस में अगर बाइक चाहिए किसी को तो वो यहाँ पे है हीरो होंडा पैशन। हाँ। तो इसका क्या डिटेल्स है भैया? ये 2001 का मॉडल है, 2001 का हीरो होंडा पैशन है, मतलब 24 साल लगभग हो गया इसका, चला हुआ है ज्यादा नहीं, 20,000 के आसपास चला हुआ है, 20,000 बहुत पुराना है लेकिन ज्यादा चला हुआ नहीं है, और दाम भी इसका बहुत बढ़िया है, सिर्फ और सिर्फ 12,000 में। मजाक तो नहीं कर रहे, नहीं 100% सिर्फ 12,000 में लेके आओ, लेके चला 12,000 लेके आओ और ये पैशन लेके जाओ। और एक चीज, ऐसा नहीं कि पेपर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पेपर सब है, पेपर सब है, और हमारे चैनल की तरफ से आओगे तो 12,000 में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा, मतलब आप आओ तो सही है, कुछ बोलने का नहीं है इसके बाद में। और एक और चीज जो लोगों को जानना बहुत जरूरी है, हमारे जो ऑडियंस है उनको जानना बहुत जरूरी है कि ओनरशिप के बारे में, बाइक के जो ओनर रहता है कि यहाँ पे जितने भी बाइक्स हम लोग देखे अभी, क्या लगभग सारे फर्स्ट ओनर है कि नहीं? हाँ, ज्यादातर फर्स्ट ओनर ही है। हाँ, सभी फर्स्ट ओनर है, सभी फर्स्ट ओनर के फर्स्ट ओनर है, सिर्फ वो पहले वाला जो हमने दिखाया पल्सर 135 LS वो छोड़ के बाकी सारे जो बाइक है वो पैशन भी फर्स्ट ओनर बाइक ही है। ये क्या होता है, पैशन वाला जो है वो नाम ट्रांसफर नहीं होगा, उसका ऑथोराइज कर देंगे, उसका ऑथोराइजेशन दे देगा, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और रीफाइनेंस भी हो जाएगा। जो लोग जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के हैं या फिर बरौदीगी की आसपास के एरिया से जो लोग हैं, धूपगुड़ी मैनागुड़ी, या फिर रीफाइनेंस आपका हो जाएगा। और बाकी नया स्टॉक बहुत ही जल्द भैया लाने वाला है कि भैया मेरे पास डेली आते रहता है, ऐसा नहीं कि कब दो एकदम हफ्ता बाद में आएगा, ऐसा नहीं है, मेरे पास डेली स्टॉक, जैसे ये वाला आज ही सुबह को आया है, और ये वाला आज ही सुबह आएगा, दो तीन दिन में ये भी चला जाएगा, शायद आज कल में चला जाएगा, ऐसे बहुत ही जल्द नया बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टॉक के साथ हम लोग फिर से दोबारा से आएंगे बाइक बड़ीज पे। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बाइक्स आपको कैसे लगे और वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाइक बड़ीज की पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में।